उत्तर प्रदेश में अब तूफान यास का खतरा मंडराने लगा है। मुंबई और बंगाल का खाड़ी में ताऊते तूफान के बाद यास तूफान ने दस्तक दे दी है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो ये तूफान यूपी और बिहार के कई जिलों में भी पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि तूफान यास का असर 28 मई से पहले बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिखेगा। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यास का सबसे ज़्यादा असर यूपी के सुल्तानपुर और अमेठी जिले में देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अंदेशा है कि वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ सहित करीब 27 जिलों में यू तूफान अपना असर दिखा सकता है। यूपी के लगभग सभी डीएम को चेताया गया है कि सतर्क रहें और समय से पहले तूफान से बचने के उपाय कर लें। जानकारों के मुताबिक तूफान यास के यूपी प्रवेश के बाद इन जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। साथ ही जनता को सलाह दी गई है कि वो मौसम पर निगाह रखें और यथासंभव खुद सुरक्षित स्थान पर रहें। मौसम विभाग की ओर से मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल, बदायूं, कासगंज, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, सरस्वती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, संत कबीर नगर, महाराजगंज और कुशीनगर जनपद को अलर्ट पर रखा गया है। यह मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी इन जिलों को अलर्ट पर रख दिया गया है। मौसम विभाग की माने तो सुल्तानपुर और अमेठी में इसका असर ज़्यादा देखने को मिल सकता है, इसलिए आप अपने आप को स्वस्थ रखें और पहले से तैयारी में जुटे रहें ताकि आने वाले में ज़्यादा मुसीबत का सामना ना करना पड़े। न्यूज़ रिपोर्ट, भोलू जहांगीर, अपना सुल्तानपुर न्यूज़।